अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ये सुबह का टाइम है, आ गई हूँ मैं किचन में और अपने लिए बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड तो इंडिया गए हुए, वो आएंगे वेनेसडे को, तो मैं अपने लिए बना ले रही हूँ चाय। और सफ़ा इस वक्त सो रही है क्योंकि छुट्टी वाला टाइम है तो वो सो रही है, तो इधर मैं बना ले रही हूँ मेरे लिए चाय। तो आज मेरा पूरा दिन क्या काम है, दोपहर तक मैं बिज़ी रहने वाली, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपको कैसा लगेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इधर चाय बनने के बाद है ना, मैं आ गई थी अंदर रूम में लेके कि मैं ना इधर आराम से बैठ के पहले मैं चाय पी लूँ, नाश्ता कर लूँ, क्योंकि चाय पीना पहले सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है। चाय पीने के बाद फिर एनर्जी आती है कि हम आगे दूसरा कुछ काम कर सकें। तो इधर मैं कर रही थी नाश्ता, नाश्ता होने के बाद ना मैं सुबह में जैसे ही पहले किचन में गई ना तो चिकन को पानी में डाल दी थी, तो अभी मैं जाके मैं चिकन काटूँगी और बना लूँगी एकदम ईजी सा और एकदम खुशबूदार मज़े वाला चिकन पुलाव। तो एकदम सिंपल तरीके से बनेगा, कोई ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं, सादा पुलाव हम बनाएंगे, वो बना लूँगी मैं और एक मैंगो की डिज़र्ट बना लूँगी। तो इधर आ गई हूँ किचन में, तो देखिए मैंने चिकन को पहले पानी में निकाल के रखा था। इधर पे इस तरीके से फ्रोजन चिकन आती है या आइस वाली होती है, तो इसको बनाने से पहले पानी में डालना पड़ता है। तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत जल्दी आइस गल जाती है, ज़्यादा टाइम हमको पानी में रखने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें उसको पेपर में से निकाल लूँगी और फिर हम इसके पीसेस कर लेंगे, फिर बाद में इसको बॉयल होने रखना है, इसकी यखनी बनाना है। हम यखनी पुलाव बनाएंगे, जो भी इसकी यखनी निकलेगी ना उसमें हम चावलों में वो यखनी डाल के पुलाव रेडी कर लेंगे। चिकन को इधर मैं काटती हूँ और चावल को मैंने पहले से धो के रख लिया, क्योंकि चावल भीगे करना तो बिरयानी हो पुलाव हो तो बहुत अच्छा बनता है। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको चिकन पुलाव बनाना बता रही हूँ, आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, अभी बकरीद आ रही है तो आप इसको मटन से बनाएं। मेरे पास मटन नहीं था और मुझे लाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो मैं अकेली तो जा नहीं सकती थी, चिकन था तो मैंने सोचा कि मैं चिकन से ही बना लूँ। तो इधर पे मैंने ले लिया आपका धनिया 2 टेबल स्पून, 3 से 4 लाल मिर्च, मैं हरी मिर्च डालूंगी इसमें इसलिए लाल मिर्च थोड़ी ली हूँ, 1 चम्मच जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, दालचीनी थोड़ी सी, 4-5 से 6 छोटी इलायची, ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है मैंने, और इधर 3-4 लौंग और काली मिर्च, इसको हम इसमें डाल देंगे। और 1 किलो मैं चिकन ली हूँ तो 1 किलो मैंने चावल लिया हुआ है। और इधर पे ये मोटा मोटा मैंने 1 बड़ी प्याज और लहसुन और अदरक भी, मैं अदरक मेरे पास अच्छी नहीं थी तो मेरे पास पीसी हुई अदरक का पेस्ट है, तो वो मैं डाला। और इसमें डाल देंगे, चावल मैंने लिया है 4 कप, तो 5 कप पानी, क्योंकि हमको यखनी चाहिए, तो इसको पकने के लिए रख देते हैं। अभी डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, नमक डाल के इसको पकने रख देते हैं, बाद में हम इसको छान लेंगे, चिकन गले तक इसको पका लेते हैं। यखनी को मैंने पकने के लिए रख दिया है, जब तक यखनी पक रही जब तक मैं इधर प्याज वगैरह काट के रख लेती हूँ पुलाव के लिए सब रेडी करके। प्याज को भी छील के ना पानी में डालेंगे, पानी में डालने से ज़्यादा तेज भी नहीं लगेगा और इसमें जो गंदगी वगैरह होगी सब निकल जाएगी। मैंने इधर पानी रखा, पानी में हम डाल देंगे इसको। प्याज को हमेशा धो के काटनी है, जब हम छीलते हैं ना इसको छिलका निकाल के इसको इस तरीके से करके इसको धो लेना है। मैंने इधर पानी में रखी हूँ तो मैं पानी में इसको डालते जाऊँगी, धो के इसको फिर कट करेंगे स्लाइस में। देखिए चिकन बॉयल हो चुकी है, यखनी बन चुकी है, तो इसमें से मैं चिकन को निकाल लूँगी। चिकन को निकालेंगे और इसको है ना हम छान लेंगे ताकि सारे को डिस्चार्ज कर देंगे, खाली हमको यखनी चाहिए, तो चिकन को है ना मैं निकाल लूँगी। इस तरह से हम एक एक पीस करके इसको निकाल लेंगे, चिकन को निकाल के और इसको छान लेंगे हम। मैं निकाल लेती हूँ और इसको चिकन को छान लूँगी
फिर बताती हूँ। तो मैंने निकाल लिया है और यखनी को मैंने छान के इधर रख लिया। अब इधर मैंने एक पतीला रख दिया है, इसके अंदर डालेंगे हम तेल और डाल देंगे प्याज। इसमें थोड़ा सा घी भी डालूंगी मैं, बाद में डालूंगी। प्याज फ्राई करके जब हम निकाल लेते हैं ना, तब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी। प्याज को मैंने 4-5 प्याज काट लिए, तो इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ी सी मैं निकाल लूंगी ऊपर से डालने के लिए। प्याज को हमको गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है, अब मैं थोड़ी सी निकाल लूंगी इसको ऊपर से डालने के लिए। आधी निकाल लूंगी मैं इसमें से। मैं इसको ऊपर से डालूंगी और थोड़ी निकाल लेते हैं। बस अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़े से गरम मसाला। मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि प्याज को निकालने का था। थोड़ी सी मैंने सौंफ, दालचीनी और काली मिर्च और लौंग ले ली। अब इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के बाद इसमें डाल दूंगी मैंने ये 8 से 10 हरी मिर्च कट कर दी है, 2 बड़े टमाटर। थोड़ा सा पानी डालेंगे और टमाटर गलने तक इसको पकाना। 8 से 10 हरी मिर्ची डाली थी, तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि आप जितना तेज़ खाना पसंद करते हैं। इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने हरी मिर्च और टमाटर डाले, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। और इसी में डाल देंगे हम चिकन, तो थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे और टमाटर अच्छे से मैश हो जाता है ना। फिर इसमें मैं डाल दूंगी दही 1 कप। जैसे कि टमाटर और भी मैशी हो गया था, चिकन को अच्छे से भून लिया था, अब मैं इसमें डाल दूंगी दही 1 कप। और इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा। बिरयानी में, पुलाव में ना हरा धनिया पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब अच्छे से हम इसको भूनते हैं थोड़ा और, कहते दही इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें डाल दूंगी यखनी। मैंने प्याज को ज़्यादा लाल कर दिया था इसलिए कि चावल में इसका कलर अच्छा आएगा। अगर आपको ज़्यादा लाल पसंद नहीं है, चावल का कलर इस तरीके से कलर आपको पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा सा वाइट रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर चाहिए था इसलिए मैंने प्याज को थोड़ी सी लाल कर दी है। लाल मतलब एकदम जलाना नहीं है। आपने मेरी प्याज देखी थी कैसी थी, लाल जली नहीं थी, एकदम से ब्राउन हो चुकी थी। टमाटर को अच्छे से गल जाना, थोड़ी देर पकने देते हैं। टमाटर अच्छे से गल जाएगा ना, फिर हम इसमें यखनी डाल देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। पानी में बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावलों का पानी निकाल दिया मैंने, थोड़ा बहुत रह गया तो कोई बात। अब इसको पकने छोड़ देते हैं। चावलों को मैंने जिस टाइम मैं चिकन काट रही थी ना, उस टाइम मैंने चावलों को भिगो के रख दिया है। जैसे चावल पकता ना, आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, फिर नमक डालेंगे। देखिए पानी इसमें ड्राई हो गया, जब पानी डाला था तो मैंने इसमें नमक टेस्ट करके और 1 चम्मच नमक डाल दिया था। तो मैंने देखिए प्याज को इतना लाल किया था, फिर भी देखिए इसका कलर ना थोड़ा वाइट वाइट ही है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डाल देंगे घी टेस्ट के लिए, आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। और इसके ऊपर डाल दूंगी मैंने जो फ्राई प्याज निकाली थी ना, फ्राई प्याज, थोड़ा सा पुदीना। ये सबको मैंने हरा धनिया पुदीने को धो के रख लिया, हरा धनिया। और इसको रख देंगे हम दम पे। और ये मैंने बासमती राइस यूज़ किया है, इसको रख देते हैं। मेरा ये पतीला देखिए बहुत मोटा है,
तो मैं इसको ऐसे ही हल्की आंच पे रख दूंगी। अगर आपका पतीला पतला है तो आप तवा रख के नीचे फिर दम पे रखें। तो यहाँ पर मैंने पुलाव को दम पे रख दिया था और फिर मैंने सोचा अभी कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसके साथ कुछ ना कुछ ठंडा हमको खाने के लिए चाहिए। तो इधर मेरे पास मैंगो पड़ा हुआ था, उस दिन मैंने जब मैंगो का डिज़र्ट बनाई थी ना तो उस वक्त मैंगो लेके आई थी, तो एक मैंगो मेरे पास पड़ा था तो मैं सोची कि एक स्वीट बना लेती हूँ। इधर पे मैंने मैंगो लिया है और उधर पे मैंने ना गुड़ लिया, गुड़ को हम तोड़ लेंगे। और उधर मैंने कटोरी में सब्ज़ी की बीज को भिगा लिया है, जो हम शरबत में डालते हैं ना उसको सब्ज़ा बोलते हैं, धूप मलंगा बोलते हैं उसको, तो वो मैंने भिगो दिया है पानी में, वो हम डाल लेंगे। और है ना उधर पे मैंने साबूदाने को भिगो दिया है 1/2 कप साबूदाना। तो ये मैंगो में डाल के हम मैंगो सागू का डिज़र्ट बनाएंगे। तो अभी दूध को पकने रख देते हैं। देखिए मैंने इसको भिगो दिया था ना, तो हम इसको अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको दूध में डाल के पकाएंगे। और गुड़ देखिए मेरे पास इतना बड़ा वाला पीस था ढेला, तो इसको हम क्या करेंगे तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस, आप कोई प्लास्टिक बैग में डाल के या किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से इसको तोड़ लेंगे। और मैंगो को छील के ना मैं आधे का प्यूरी बना लेती हूँ और आगे आधे को छोटे छोटे पीस काट लेती हूँ। प्यूरी को हम उसमें मिक्स कर लेंगे जो साबूदाना दूध में डाल के पकाएंगे उसमें, और ऊपर से पीसेस भी मिक्स करेंगे। पैन रख दिया, उसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 कप दूध, ये मैंने मेजरमेंट करके ले लिया है। और उसके अंदर जो मैंने सागू को भिगो के रखा था ना उसको हम डाल देंगे। सागू को अलग से ब्लेंड करनी, अलग से जैसे लोग बॉयल करते हैं तो मुझे अलग से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, मैं दूध में इसको पका लूँगी, इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यार उसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, क्योंकि ये साबूदाना है तो नीचे चिपकेगा, तो इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। तो ये हम जब तक पकाना जब तक ये साबूदाना इसमें गल जाए। देखिए साबूदाना डाल के मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर में कंटिन्यूसली चला रही थी, तो साबूदाना बहुत जल्दी गल जाता है, तो देखिए दूध में गल गया। बहुत लोग इसको अलग से बॉयल करके डालते हैं, तो अलग से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूध के अंदर ही डाल के इसको पका लिया। और ये थोड़ा सा थिक होता है क्योंकि ये स्टिकी होता है ना, थोड़ा सा लेस होती है इसमें, तो इसके लिए ये थोड़ा सा और अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसको हल्का सा और थिक करने के लिए ना, क्योंकि डिज़र्ट बना रहे तो इतना पतला नहीं चलेगा ये, तो हमको थिक करना है इसको, तो हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये तो ऑलरेडी गल चुका है, देखिए जैसा इसका कलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, तो आप समझ लें कि गल चुका है साबूदाना। अब इसके अंदर मैं इधर पे है ना 2 चम्मच वेनीला कस्टर्ड को मैं घोल के रख ली हूँ, ये इसमें डालेंगे, जिससे इससे थोड़ा सा ना इसका थिक होएगा, थोड़ा सा ही थिक होएगा। देखिए थिक हो रहा है, ये पक रहा है ना, गरम गरम दूध में मैंने डाला था तो ये थिक हो रहा है। अब ये ठीक हो गया तो हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के लिए छोड़ देते, जब ये ठंडा होएगा ना तो इसके अंदर हम मैंगो का पेस्ट और थोड़े से मैंगो की क्यूब और थूप मलंगा मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ठीक हो रहा है। इसके अंदर भी मैं डाल दूँगी इसके मिठास के लिए गुड़। ये गुड़ को मैंने तोड़ के रख लिया है, ये 1/2 कप है। अगर आपको लगेगा कि मीठा कम है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, ठीक हो गया है, लेकिन अब इसका गुड़ गलने तक इसको गलाएंगे हम, पकाएंगे गुड़, ये पूरा अच्छे से इसमें गल जाना चाहिए, फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे हम। तो गुड़ गले तक इसको पका लेते हैं, और ये ठीक भी हो गया है देखिए, और ठंडा होएगा ना तो और ठीक होएगा, और साबूदाना है ना इसमें तो इससे भी ये ठीक होता है। हम इसको गुड़ गले तक इसको पका लेते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें गुड़ डाला था, आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको मीठा कम है तो फिर आप और डाल सकते हैं। तो गुड़ गले तक हम इसको पका लेते हैं, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए तो देखिए इसमें गुड़ गल गया है, देखिए थिक भी हो गया है। मैंने अभी टेस्ट किया था तो उतना गुड़ परफेक्ट था, 1/2 कप मैंने गुड़ डाला था ना, तो 1/2 कप गुड़ इसके लिए परफेक्ट है, एकदम मीठा बराबर है सब कुछ। और देखिए एकदम थिक भी हो गया, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया गुड़ डालने से, क्योंकि गुड़ का कलर लाइट था ना थोड़ा सा, तो लाइट कलर आ गया इसमें, थोड़ा सा येल्लो साइज का, और थिक भी हो गया। तो हम इसको ठंडा होने छोड़ देते हैं। तो इधर पे ये जो मैंने साबूदाना और कस्टर्ड पाउडर डाल के गुड़ डाल के जो बना के मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो देखिए कितना अच्छा है ठंडा होके, देखिए इतना गाढ़ा हो गया, इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी आई है। तो क्योंकि डिज़र्ट है तो हमको इसी तरह चाहिए, इसको खाना है, तो इसके लिए हम उसको ज़्यादा पतला मैंने नहीं बनाया हुआ था,
इसको हम सर्विंग फोर्क बॉल में डाल के इसको खाएंगे, तो इसके लिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था। अब इसके अंदर ना मैं मिक्स कर दूंगी, मैंगो के क्यूब मैंने रखे थे वो डाल देंगे इसके अंदर, आधे डालूंगी मैं और आधे ऊपर से डेकोरेशन के लिए रखूंगी। सर्विंग बॉल में ना मैं ऊपर से डालूंगी। और ये मैंगो को मैंने आधा मैंगो को मैंने प्यूरी बना लिया था, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। और इसमें मिक्स कर लेंगे धूप मलंगा जो मैंने भिगाया था ना सब्जी के बीच, जो शरबत में डालते हैं वो हम इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ऊपर से डालने के लिए, थोड़ा इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, फिर सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मिलके। और जो इसके में गुड़ डाला था ना, गुड़ के एक इसका अलग ही टेस्ट है, क्योंकि शुगर में वो टेस्ट नहीं आता जो गुड़ में आता है, तो इसलिए गुड़ से इसका और ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही टेस्टी बना था ये। सब अच्छे से मिक्सिंग हो गई है तो अब मैं निकाल लेती हूँ इसको सर्विंग बाउल में। मेरे पास आइसक्रीम का छोटे छोटे बॉल है तो मैं देखिए इस तरीके से तो मैं इसमें निकाल लूँगी। और फिर इसको हम चिल्ड करके और भी खाएंगे। जैसे अब अभी अगर आपको नहीं खाना है तो इसको सर्विंग बाउल भी आप फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर सकते हैं। फिर जब खाने का टाइम होगा, जब आप अपने हिसाब से जितना बॉल बनाना चाहते बना ले, फिर जब खाने का टाइम होगा तो आप एक छोटा सा स्पून के साथ में सर्व कर दें। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी मैंगो के दो तीन पीसेस और थोड़े से साबुदाना और सब्जी की बीन्स, सॉरी थोड़े से डेकोरेट के लिए। और इसके ऊपर से थोड़े ना मैं बादाम भी कूट के डाल दूंगी थोड़े से, तो खाने में और भी आपको अच्छा लगेगा ये। थोड़े से डाल देंगे सब्जी की बीन्स और कूटे हुए बादाम थोड़े से, बस इस तरह हम सर्व करेंगे। और अगर ऐसा अब नहीं सर्व करना का चाहते तो ठंडा कर लें। देखिए इतना अच्छा लग रहा है। इसके बाद थोड़े से मैं भी बादाम भी डालूंगी कूट के, क्योंकि मुझे ये ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर ना फिर कूट के बादाम डाला। ये देखिए इस तरीके से मैंने डिश आउट कर दिया इसको। इसको तो मैंने आपको करके बताया, और इसको भी जो बचा हुआ था ना उसके ऊपर भी मैंने मैंगो के पीसेस और ये बादाम मैंने कूट के डाल दिए हुए, और धूप मलंगा वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो ये हमारा डिज़र्ट रेडी हो गया। अब शरबत की मिक्सिंग कर लेते हैं। इधर रूम में ना ऊपर हमारा एक फ़ैन लगा हुआ है, जो वॉल फ़ैन होता है ना वो, तो वो मैं निकाल रही हूँ। उसमें बहुत डस्ट हो गई थी सफाई करने के लिए, तो इधर मैं लेके आ गई हूँ। देखिए इसको बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी इसमें, तो मैंने सोचा कि आज इसको थोड़ा सा धो के मैं इसको अच्छे से पूछ के सफाई करके इसको लगा दूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम भी ज़्यादा है और फ़ैन तो 24 आवर चलता है। फ़ैन से वैसे कुछ नहीं होता है, एसी चलानी पड़ती है, लेकिन एसी में जब ठंडा हो जाएगा तो जब हम फ़ैन चालू कर लेते हैं तो फ़ैन चलता रहता है 24 घंटा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो इसके लिए आज मैंने सोचा कि इसकी सफाई कर दी। तो मस्कत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, बाहर तो इतनी धूप इतनी गर्मी चल रही है, बाहर तो हम बिल्कुल नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी है। कल मैं शॉपिंग करने की थी तो रात में गई थी, वो भी ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर से नज़दीक है, तो मैं आज बनाने के लिए मैंने सब सामान ले ली थी। साफ़ हो गया, देखिए मैंने धो लिया। अब मैं आ गई हूँ रूम में, और इधर पे ना मैंने सोचा कि रूम में थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा दूँ, सफाई कर दूँ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी, फिर नमाज का भी टाइम हो जाएगा। ये देखिए पुलाव हमारा दम पे हो गया था। ये इतना अच्छा कलर आया, एकदम ही खिले खिले चावल बहुत ही अच्छे बने। तो मैं आप इधर पे डिश आउट कर लेती हूँ, आप लोग को डिश आउट करके फिर बताती हूँ। आप इसमें आलू डालना चाहें तो आलू डाल सकते हैं। तो देखिए डिज़र्ट को भी मैंने डेकोरेट करके और आपको बता दिया। इसके ऊपर मैंने बादाम को कूट के डाल दिया, और जो मैंने मैंगो को प्यूरी बनाया था ना, मैंने ग्राइंड किया था ना, तो डब्बे के अंदर थोड़ा सा मैंगो रह गया था मिक्सर के अंदर, तो मैंने चम्मच से निकाल के साइड में इस तरीके से डाल दिया, और थोड़े बादाम कूट के डाल दिए।
ये डिश आउट हो गया। तो देखिए मैं ये इतनी गर्मी काम करके इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो मेरे को लग रहा था कुछ ठंडा ठंडा खाओ, पुलाव खाने का बिल्कुल दिल नहीं था गरम गरम, तो मैं पहले ठंडा खा लूँ फिर गरम खाऊँ। तो मैंने ये खाई ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मेरे ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी रेसिपी या मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब मैं यही एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।